Minister of Home, you accept? Honorable Minister of Home, you accept? Escort him from our side. I request Sri Nakam Dalo sir, Honorable Minister, to accept. Now I request Honorable MLA Nakam Dalo Aysan sir to accept. इस प्रकार से हम लोग का गवर्नमेंट ने एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडमेंट के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट लास्ट थ्री इयर्स से ही हम लोग ने शुरुआत किया है. तो पुलिसिंग का प्रेजेंस और पुलिसिंग का फेसलिफ्ट बोलो और उनका फैसिलिटी ये प्रोवाइड करना राज्य सरकार का जिम्मेदार होता है. और इसको देखते हुए इस साल का बजट में भी हम लोग ने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडमेंट के लिए हम लोग ने बहुत सारा फंड भी हम लोग ने प्रोवाइड किया हुआ है. तो मैं कहीं भी जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, तो पुलिस का जो बेसिक जो चैलेंजेस जो आता है कि हाउसिंग को लेकर काफी चैलेंजेस देखने को मिल रहा है. तो मैंने अभी होम मिनिस्टर साहब और DGP को भी कहा है कि गवर्नमेंट से जो भी फंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों का हाउसिंग को भी साथ साथ ध्यान देना है. SP ऑफिस तो आई थिंक लगभग अभी सभी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा बन गया है. तो अभी सेकंड स्टेज में हम लोगों को हाउसिंग में उसमें ध्यान देना है और साथ साथ अपना पुलिस स्टेशन को भी हम लोगों को स्ट्रेंथनिंग भी करना है. और कहीं जगह पे ऐसे भी होता है कि हम लोग हमारा पुलिस के पास में जमीन कम है. तो अभी एक नया मॉडल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरुआत किया है कि कंस्ट्रक्शन मॉडल इस प्रकार से होना है कि आपका बेसमेंट हो गया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ठीक है आपको पुलिस स्टेशन के लिए चाहिए तो इसको फर्दर फिर एक्सटेंशन करके हाउसिंग का रूप में भी उसको भी डेवलपमेंट हम लोग कर सकता है. तो PM साहब का लीडरशिप पर अभी अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सारा सपोर्ट हम लोग को मिला हुआ है. मैं कल ही MLA साहब लोगों का साथ में डिस्कस करके बता रहा था कि लास्ट ईयर हम लोगों को सेंट्रल असिस्टेंस जो मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंफ्रास्ट्रक्चर में मोर देन 1400 करोड़ हम लोगों को मिला है और इस साल और भी हम लोगों को मिलेंगे. तो ये सब ऑलरेडी बजट में भी हम लोग ने कोशिश किया है कि हर एक सेक्टर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग फेसलिफ्ट करने के लिए पुलिसिंग के लिए अभी ओवरऑल अरुणाचल में हम लोगों का स्ट्रेंथ काफ़ी मतलब जितना रिक्वायर्ड है अभी भी शॉर्टेज तो है हम लोगों का. तो थाना स्तर पे हो या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे जो थोड़ा मैनपावर का शॉर्टेज है तो करीबन 3000 पोस्ट अभी लेके रखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को कि उसको रिक्रूटमेंट करने के लिए. अभी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने भी अपना ये कैलेंडर ऑलरेडी उन्होंने निकाल दिया है तो बहुत जल्दी हम उम्मीद करेंगे कि मैन पावर जो गैप है वो जल्दी फिलअप हो जाएगा. केवल मेरा एक छोटा सा सुझाव ये रहेगा SP साहब DSP साहब और DSP साहब भी वहाँ पे है पुलिसिंग जो है हम लोग का ट्राइबल समाज में जैसे मेन लैंड का जैसे पुलिसिंग करने से यहाँ पे थोड़ा सा रिप्रोकेशन भी होता है तो कम्युनिटी पुलिसिंग का